सो हाय गाइस, माय नेम इज मानसी आनंद एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के बारे में. सो आज हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्टैटिस्टिक्स होते क्या हैं. सो अगर आप एक यूजीसी नेट कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं या मैनेजमेंट के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी यूजफुल हो जाता है एज इट इज़ पार्ट ऑफ सिलेबस. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टू दी लेक्चर. सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि ये स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली कहते किसको हैं. स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है स्टेटस. सो इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स, कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी फिगर, बेसिकली कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा जिसका कोई भी यूज है हमारे लिए, या एक पर्टिकुलर पर्सन जो इन नंबर्स को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है या इनसे कुछ कैलकुलेट कर रहा है, उसके लिए अगर इन नंबर्स का कोई भी यूज है, किसी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का, किसी भी फिगर्स का या किसी भी ऐसे मैथमेटिकल फिगर्स का कोई यूज है तो उसको बोला जाएगा स्टैटिस्टिक. सो इन कॉमन वर्ड्स स्टैटिस्टिक हम कहते हैं बेसिकली किसी भी नंबर को जिसका कोई यूज हो. सो आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी इतनी है और दूसरी कंट्री की इतनी है. सो हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, या एक कंपनी का भी प्रॉफिट निकाला जाता है और उसे दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर किया जाता है, या एक कंपनी के प्रॉफिट को ही उसके पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर किया जाता है. सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डेटा आता है हमारे पास, कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ फिगर्स आते हैं जिसने हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं. सो ये तो बात की कंपनी और कंट्रीज जैसे बड़े एंटिटीज की. सो एक हाउस होल्ड में भी कोई डिसीजन बिना स्टैटिस्टिक्स को देखे नहीं लिया जा सकता. सो आपने अपने पेरेंट्स को यूजुअली वंस इन अ मंथ बजट प्रिपेयर करते देखा होगा कि आपकी फैमिली इनकम इतनी है और उस अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस इतने इतने हैं, तो पैसा यहाँ यहाँ यूज हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि आपको नया फोन लेके देना है या नहीं, या फिर आप डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं, या आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा सकते हैं या नहीं. सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन स्टैटिस्टिक्स का, इन नंबर्स का यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग आगे की जाती है. सो यहाँ पर आप अलग अलग डेफिनेशंस देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की जो अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस ने दी हैं. सो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, जैसा कि हमने अभी बात की, किसी भी फैक्ट की ऐसी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो आपको किसी फैक्ट के बारे में जानकारी दे रही हो. इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. And after that, coming to definition by Croxton and Cowden, statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So, आपके पास कोई भी data है, जैसा कि हमने देखा कि आपके household का numerical data होता है, आपकी income और expenses का. So, उसको collect करना, after that उसको present करना किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, एंड देन उसको एनालाइज करना. सो आजकल तो होम बजट को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स आ चुके हैं जहाँ पे आप अपने खर्चों को फाइल कर सकते हैं एंड उसके बाद उसका एक एनालिसिस कर सकते हैं, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. सो इस रॉ डेटा से एनालिसिस करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, सो दैट इज स्टैटिस्टिक्स. सो गाइज, आई होप अब आपको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा. सो नाउ मूविंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ये हम इस सेक्शन में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. जैसा कि हमने बात की कि स्टैटिस्टिक्स आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं, बी इट किसी कंट्री की जीडीपी बताना, किसी कंपनी का प्रॉफिट बताना, या फिर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस को मैनेज करना. सो स्टैटिस्टिक्स हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं या फैक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं. आफ्टर दैट दे आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ये सब नंबर्स या फिर क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं. देन स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. सो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी सारी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर कंट्री की जीडीपी की बात की जाए तो कंट्री के लॉज, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन या कंट्री की गवर्नमेंट्स जो भी रूल्स लेके आ रही हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफ़ी कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को कम किया टू बूस्ट द इकोनॉमी. सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए
टैक्स रेट्स को कट किया जा रहा है. तो यहाँ पे जो जीडीपी है कंट्री का या जो ग्रोथ रेट्स हैं कंट्री के, दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय कॉर्पोरेट टैक्सेस. सो उसी तरीके से आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी काफी सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अफेक्ट होते हैं कि मैनेजर्स कैसे डिसीजन ले रहे हैं. आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स आर enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. So guys, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि statistics कभी भी 100% accurate नहीं consider किए जा सकते. So because statistics को calculate करने के different methods होते हैं and depend करता है कि कौन सी entity या कौन सा researcher कौन सा method use कर रहा है. So that is why you never know कि अगर आप ये method use करोगे या आप इसके अलावा कोई दूसरा method use करोगे, so इन दोनों से आपका result same आएगा या नहीं. So that is why हम ये consider करते हैं कि statistics are not accurate. आप उसको 100% accuracy में count नहीं कर सकते, but they maintain a standard of accuracy. So usually statisticians क्या करते हैं, वो एक standard set कर लेते हैं कि वो जो भी data calculate कर रहे हैं या जितने भी statistics पर operate कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 95% एक्यूरेट. सो 95% चांसेस है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है. सो बेसिकली दे वर्क इन रेंजेस ऑफ एक्यूरेसी, दे आर नेवर 100% और एंटायरली एक्यूरेट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. सो स्टैटिस्टिक्स को हमेशा कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है. जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स बजट मेंटेन कर रहे हैं तो वो डिसीजन मेकिंग के पर्पस से कर रहे हैं, ताकि वो ये देख सके कि क्या वो इस महीने आपको एक ट्रिप पर भेजना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आपके लिए एक न्यू एक्सपेंसिव फोन अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं. सो सेम गोज फॉर द कंट्री, कंट्री के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि अलग अलग डिसीजंस लिए जा सके. एंड सेम गोज फॉर द कंपनीज. नाउ मूविंग फर्दर, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर. सो स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करने का, किसी भी डेटाबेस को मेंटेन करने का सबसे मेजर पर्पस यही है कि जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट कंपेरेबल होना चाहिए. सो कंट्री की जीडीपी अगर दूसरी कंट्री से कंपेरेबल नहीं है, सो देयर इज नो यूज ऑफ फाइंडिंग इट. सो जब तक एक कंपैरिजन नहीं हो पाएगा तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो अगर कोई कंट्री एक मेथड से एक टाइम पीरियड में जीडीपी कैलकुलेट करती है एंड उसके बाद किसी डिफरेंट ही मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करती है, सो दोनों टाइम पीरियड्स की जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट होने की वजह से वो आपस में कंपेरेबल नहीं रह जाते एंड इनका यूटिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाता है. सो स्टैटिस्टिक्स का मेजर यूटिलिटी है कंपैरिजन. सो दैट इज़ वाई जो भी मेथड्स यूज किए जाएं उन पर ऑपरेट करने के, एट द एंड ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स आपस में कंपेरेबल होने चाहिए फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी एंड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड. नाउ मूविंग फर्दर, सो गाइज अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में. सो स्टैटिस्टिक्स ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं या फिर ऐसा क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है. सो नंबर फर्स्ट इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. सो अगर हम बात करें कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सो क्या बिना स्टैटिस्टिक्स देखे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, या फिर वो एक एक्सेलरेटेड पेस पर ग्रो कर रही है या फिर एक स्लो पेस पर ग्रोथ कर रही है. सो ये सब एनालाइज करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स हाथ में होना जरूरी है. उसके बिना आप नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली करंट सिनेरियो क्या है. सो किसी भी फैक्ट को डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए या उसको एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक देने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाए. बिकॉज गवर्नमेंट्स भी ऐसे ही देखती हैं, उनको भी तभी पता लगता है कि कंट्री में स्लो डाउन आ चुका है जब वो देखते हैं कि ग्रोथ रेट कम हो चुके हैं या जीडीपी नीचे जा रही है या फिर कंजम्पशन नहीं हो रही कंट्री में. जैसे कि अगर इंडिया की करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आप ऑटो सेक्टर में आने वाले रिसेशन को देख सकते हैं. एंड कैसे पता चला कि ऑटो सेक्टर में रिसेशन है? बिकॉज नंबर ऑफ कार्स जो कि सेल हो रही है मार्केट में वो कम हो चुकी है. सो टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. आफ्टर दैट टू यूज इट एज अ टेक्निक फॉर मेकिंग कंपेरिजन. जैसे कि हमने ऊपर भी बात की कि स्टैटिस्टिक्स का मेजर फंक्शन है टू अलाउ कंपेरिजन. सो अगर कंपेरेबिलिटी नहीं होगी डेटा में तो देर इज नो यूज ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैटिस्टिक्स. सो कंपेरेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि
फाइनेंस के स्टैटिस्टिक्स को देखकर ही गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि आगे कौन से रूल्स लेके आने हैं, टैक्स रेट्स को बढ़ाना है या कम करना है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है या कम करना है. सो इन सब डिसीजन मेकिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ही डिसीजंस लिए जा सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा. सो यूजुअली न्यूमेरिकल डेटा कैन बी रियली कॉम्प्लेक्स. सो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक किसी भी वेरिएबल को. सो उन सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. सो अगर एक कंट्री के डिटेल स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए, अगर BOP को देखा जाए या जो भी अकाउंट कंट्री में प्रिपेयर होते हैं उन सब की बात किया जाए, तो क्या आम पब्लिक उन सबको समझ पाएगी? नहीं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो वो एक ट्रेन इकोनॉमिस्ट ही समझ सकता है. बट अगर GDP जैसे सिंपल स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो शायद उसको एक आम उसको एक लेमैन भी देखकर समझ सकता है कि कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. सो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स. आफ्टर दैट टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. सो किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी चीज़ जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको अच्छे से समझने के लिए उसके स्टैटिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है. After that, to enable measurement of the magnitude of a phenomenon. So, किसी भी situation, so किसी भी phenomenon या किसी भी activity को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से measure कर पाएं. अगर measure कर पाएंगे तो ही समझ पाएंगे. और measurement के लिए क्या use होता है? Statistics. So, let's say कहीं पर earthquake आया. रिसेंटली पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में अर्थक्वेक आया था. सो अर्थक्वेक की सेवेरिटी को समझने के लिए कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव था या डिस्ट्रक्टिव नहीं था, उस बात को समझने के लिए उसे मेजर करना बहुत ज़रूरी है. और आप जानते ही होंगे कि अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे. सो रिक्टर स्केल जितना हाई होगा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. तो आप देख रहे हैं कि कैसे अर्थक्वेक जैसे नेचुरल फिनोमिनन को भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से मेजर किया जा सकता है. सो गाइज, ये थे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो हमने अब तक ये जाना कि स्टैटिस्टिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं एंड उनके क्या यूटिलिटी है सोसाइटी में. बट अब ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको हमें कंसिडर करना होता है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते टाइम. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड. सो स्टैटिस्टिक्स जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ नंबर्स पर बेस्ड हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके के क्वालिटेटिव डेटा या फिर काइंड डेटा को टोटली इग्नोर किया जाता है. इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सो लेट्स से यहाँ पर दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी. सो कंपनी ए एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है एज सैलरी 50,000 rupees पर मंथ एंड कंपनी बी प्रोवाइड कर रही है 55,000 rupees पर मंथ. सो कंपनी ए माना कि 5,000 rupees कम दे रही है, बट कंपनी ए इज फेमस फॉर इट्स फ्रेंडली वर्क कल्चर. सो कंपनी ए का वर्क कल्चर काफी अच्छा है एज कंपेयर टू कंपनी बी, एंड कंपनी बी की एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस को इतना एम्प्लॉय फ्रेंडली कंसिडर नहीं किया जाता. सो अगर कोई भी एम्प्लॉय ये कंसिडर करे कि वो किस कंपनी में वर्क करना चाहेगा, तो अगर वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के बेस पे करेगा तो दिस आंसर वुड कम टू कंपनी बी, जो कि शायद उस एम्प्लॉय के लिए इतना अच्छा ना हो कंसिडरिंग द फैक्ट कि कंपनी ए का वर्क एनवायरमेंट ज्यादा बेटर है. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है और स्टैटिस्टिक्स के बेस पर एक डिसीजन लिया जा रहा है जो माइट बी इतना यूजफुल और इतना फ्रूटफुल ना हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिमिटेशन व्हिच इज डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम्स. सो स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग आइटम से डील नहीं किया जाता, उनके एवरेजेस या उनके ऑपरेशन से डील किया जाता है. क्योंकि अगर हर आइटम को कंसिडर करने लगेंगे सो दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम और डिसीजन मेकिंग काफी इनफीजिबल हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिमिटेशन व्हिच इज डज नॉट डिपिक्ट द एंटायर स्टोरी ऑफ फिनोमिनन. सो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो हमें सिर्फ नंबर्स के बारे में बता रहे हैं और पूरी स्टोरी के बारे में नहीं बताते. जैसे कि हमने अभी कंपनी ए और कंपनी बी वाले एग्जाम्पल में देखा कि कैसे स्टैटिस्टिक्स हमें सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कंपनी बी इज पेइंग well to its employees in relation to company A, but ये नहीं बता रहे कि यहाँ पर work culture company A में better है. So आप देख रहे हैं कैसे आपके सामने पूरी picture नहीं है decision making के लिए.
After that, it is liable to be miscued. So, statistics ko tweak karna zyada mushkil kaam nahi hota. Statistics ko thodi si mathematical operations laga kar apne benefit mein tweak kiya ja sakta hai. Jaise ki India mein recently there was a controversy going on ki GDP data ko ya economic data ko tweak kiya ja raha hai base years ko change karke. Taki public ke saamne current economic situation ki puri picture na aaye. So, misuse हो सकता है statistics का. After that, results are true only on average. So, stats के जो result आते हैं, वो सब पर true नहीं होते, वो सिर्फ averages पर ही true होते हैं. So, let's say there is a class of 8B. So, 8B में एक test conduct हुआ, और उस test के average के according 70 marks आए. So, सब बच्चों के जितने भी marks थे, उन सब को average out करके 70 marks आए. So, आपको ये तो पता लग रहा है कि 8B में 70 marks आए averagely. But, ये सिर्फ average है and आपको ये नहीं पता लगेगा कि इनकी यहाँ पर सबसे highest score क्या गया या सबसे lowest score क्या गया. So, you cannot make decisions entirely based on a simple average. So, the last limitation is too many methods to study problems. So, statistics को, अलग-अलग statistics को calculate करने के लिए अलग-अलग methods होते हैं. So, और अलग-अलग methods की अपनी-अपनी suitability और अपनी-अपनी limitations होती हैं. और जितने ज़्यादा different methods use होते हैं, comparability उतनी ही कम हो जाती है. So, use of different methods कई बार, it gives rise to the problem of non-comparison. So, ये तो हुए limitations of statistics. Now, moving further. So, measure of central tendency. So, guys, अब आते हैं central tendency पर. Central tendency, जैसा कि आप नाम से ही identify कर पा रहे होंगे, कि ये कोई ऐसा average है, या कोई ऐसा tool है, जो कि आपको बताता है, कि जितना भी data आपके पास है, उसके center में क्या लाए करता है. So, let's go on to definition of central tendency. So, central tendency are statistical constants which enable us to comprehend in a single effort the significance of the whole. So, jitna bhi data aapke paas hai aur chahe wo ek dusre se kitna bhi different hai, un sab ko ek single figure mein combine karne ki koshish ki jati hai while finding measures of central tendency. So, ek aise figure find out karne ki koshish ki jati hai jiska difference sari figure se कम हो या मिनिमम हो. So that is why इनको measures of location और averages भी बोला जाता है. जैसे कि एक area में average family income क्या है, एक class में students की average height क्या है. So एक तरीके से ये जो averages हैं, हमें एक summary provide करती हैं, एक bird's eye view देती हैं, जिससे आप totality में चीजों को देख पाते हैं. क्योंकि एक data set में values कई बार बहुत extreme हो सकती हैं. So अगर हम income of families in an area का example देखें, so it is possible कि एक family की income 1 lakh rupees per month ho and wahin ek aur family ki income 10,000 per month ho and averagely this comes out to 40,000. So, hume ye pata chalta hai ki values sabse zyada kahan par concentrated hain. So, aap yahan par dekh sakte hain ki agar us area mein average income 40,000 aati hai, to matlab maximum parivaron ki income jo hai wo 40,000 ke aaspaas hi hai. So, main objectives of central tendency include condensed data in a single value जहाँ पे हमने देखा, जो हमने देखा यहाँ 40,000 में हो रहा है and facilitate comparisons between data, जैसा कि हम पहले features पढ़ते हुए बात कर चुके हैं. Now moving on, so requisites of a good average. तो ये कैसे पता लगा सकते हैं कि एक central tendency या फिर एक average वो अच्छी average है या नहीं और वो एक researcher की objectives को fulfill करेगा या नहीं. So सबसे पहले averages should be rigidly defined. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो estimates पे बेस्ड हो या फिर कोई भी सब्जेक्टिवली अपने आईडिया से या अपने एक्सपीरियंस से कोई भी एवरेज बना रहा है. इन एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज इन द डेटा. सो एक डेटा सेट में आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जो आपका गुड एवरेज है, ये इन सब पर बेस्ड होना चाहिए. मतलब इन सभी डेटा सेट्स का इफेक्ट इस पर आना चाहिए. After that easily understood. So average को calculate करना और उसको समझना ज़्यादा difficult नहीं होना चाहिए, वो simple होना चाहिए ताकि एक layman भी उसे समझ सके. Now capable of being calculated with reasonable care and rapidity. So एक अच्छा average ऐसा होना चाहिए जिसे आराम से calculate किया जा सके और फटाफट calculate किया जा सके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि calculation बहुत ज़्यादा complex है और बहुत ज़्यादा time consuming है. After that, stable and
अनअफेक्टेड. सो एक गुड एवरेज शुड बी स्टेबल. सो गाइज यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जब भी हम कोई एवरेज कैलकुलेट करते हैं हम एक लार्ज पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल लेते हैं और उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं और उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं टू दी पॉपुलेशन. सो अगर हमने इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया और उससे कोई एवरेज निकाला एंड आफ्टर दैट इसी साइज के जितने एलिमेंट्स इस सैंपल में थे उतने ही साइज के अलग अलग सैंपल्स लिए, सो जितने भी सैंपल्स इस पॉपुलेशन में से बन सकते हैं उन सब सैंपल्स का भी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो भी इस एवरेज के पास आना चाहिए. सो बेसिकली एक पॉपुलेशन में से जितने भी सैंपल्स बन सकते हैं उन सबके एवरेजेस का रिजल्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उन सबका रिजल्ट आसपास ही आना चाहिए, देन एन एवरेज कैन सेट टू बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड. आफ्टर दैट अमेनेबल टू एलजेब्रिक ट्रीटमेंट. सो ये पॉसिबल होना चाहिए कि एक एवरेज निकालने के बाद आप उसको फर्दर ट्रीटमेंट भी कर सकें. सो लेट्स से अगर आपने एक स्कूल में एक क्लास का एवरेज निकाला कि एक क्लास में बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए, लेट्स से दैट इज 8A. सो आफ्टर दैट अगर आप 8B का भी निकाल लेते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल होना चाहिए कि आप इन दोनों का कंबाइंड निकाल पाए ताकि आपको ये पता चल सके कि टोटल 8th क्लास में कितने बच्चों के कितने एवरेज मार्क्स आए हैं. आफ्टर दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एवरेज एक पर्टिकुलर हाई वैल्यू से या एक पर्टिकुलर लो वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो. जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी कि 40,000 एक एरिया में एवरेज इनकम थी हाउसहोल्ड की एंड द मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू वाज 1 लाख जो कि हाईएस्ट इनकम थी. तो इस 1 लाख का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस 40,000 पे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम घर मिडिल क्लास है वहां पर एक या दो बहुत हाई इनकम फैमिलीज के रहने की वजह से एवरेज बहुत ज्यादा आ जाए. सो नाउ मूविंग फर्दर, सो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एवरेजेस होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं. सो एवरेजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस. अंडर मैथमेटिकल एवरेजेस हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. एंड पोजिशनल एवरेजेस के अंडर हम जानेंगे मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज एंड मोड के बारे में. सो गाइज इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं अपने इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इफ यू वांट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन देन यू कैन ऑल्सो स्टे कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.